लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की। एमपी की अजब गजब किस्से, पुलिस प्रशासन गहरी सोच में। चोरों ने मंदिर सहित 6 घरों से लाखों की चोरी को दिया अंजाम। और काशी महाकाल एक्सप्रेस इंदौर से हुई रवाना। और खबरें विस्तार से। उज्जैन में अजब गजब मामले देखने को मिल रहे हैं। मामला उज्जैन के तराना का बताया जा रहा है, जहां पर चैंबर को खुला छोड़कर हादसों को खुला न्योता दिया जा रहा है। इस चैंबर में प्रदीप परमार जागे, उसके बाद भी जिम्मेदार गहरी नींद में है। मामला थाना तराना तोतला मार्ग अंग्रेजी शराब दुकान के सामने का है, जहां एक चैम्बर खुदा हुआ है। यह तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। तराना निवासी प्रदीप परमार टीवीएस से घर की ओर लौटते हुए खुले चैम्बर में जा गिरे। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। उक्त मामले में तराना थाना प्रभारी से फरियादी द्वारा FIR का हवाला दिया गया, लेकिन तराना थाना प्रभारी ने साफ लहजे में कह दिया कि कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जो मैं कायमी कर सकूं। उक्त फरियादी थाने से निराश होकर लौट आए। फिर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मामले में फरियादी पक्ष एवं मीडिया के साथ ही उक्त गड्ढे में धरने पर बैठ गए। लगातार 3 घंटे धरने पर बैठने के बाद दबाव में ASI मदनलाल रावत मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर सभी को कार्यवाही करने का आश्वासन देकर धरने को खत्म कराया गया। यही कार्यवाही थाना प्रभारी पहले कर चुके होते तो देश के चौथे स्तंभ को धरने पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। बीती रात 4 अलग अलग गांव में मंदिर सहित 6 घरों से लाखों रुपयों की चोरी हुई है। चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है। चोरों ने घर की अलमारियां तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित 14,000 रुपए नगद पर अपने हाथ साफ करते हुए बाइक से फरार हो गए। नकाबपोश चोर बैठ के CCTV कैमरे में कैद भी हुए। यह पूरा मामला मनावर थाना के ग्राम जाजमखेड़ी लुहेड़ी सड़क का है। मनावर थाना अंतर्गत बीती रात नकाबपोश चोरों ने मंदिर सहित 6 घरों के दरवाजों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 14,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने सोने घरों को निशाना बनाते हुए मंदिर व भाजपा सांसद छत्तर सिंह दरबार के पुत्र सहित 4 गांव के 6 घरों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिनके घरों में चोरी हुई वह परिवार सब घर से बाहर गए हुए थे, कोई शादी में तो कोई शिवरात्रि पर अन्य राज्य में थे। घटना की सूचना मिलने पर मनावर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर बैंक में लगे CCTV कैमरे चेक करने में जुट गई। CCTV कैमरे के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गए है। सर, गली में मकान है, ताला तोड़ा उन्होंने और अंदर घुसे। तब सुबह हमको पता चला, जाके देखा तो चेन चांदी की जो थी पुरानी, कड़े थे, 5,000 रुपये थे, कपड़े थे दादी के, सुबह हमको पता चला सर। हाँ सर, कि हम दूसरे मकान में रहते हैं। क्या नाम आपका? नाथू। मैं गांव का मंदिर का पुजारी हूँ और मैं मंदिर में आया तो यहाँ पर ताला टूटा हुआ मिले और मैं देखकर घबरा गया और गांव वाले से बुला के लाया और उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसी स्थिति हो गई मंदिर में और आप ये तुम देखो। वो गांव वाले देखने आए। फिर क्या हुआ? देखा गांव वाले? गांव वाले ने देखा तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर ये जो जेवर है वो जेवर नहीं मिले और जेवर 2-3 जेवर यहाँ पर नहीं मिले। मेरे को इनको बताया कि भाई ये चीज़ आनी है कौन भाई, नथनी नहीं मिले और गले मंगलसूत्र नहीं मिला और एक चैन थी वो नहीं मिले। सर नाम बता। मैं उप निरीक्षक राजेश हो रहा, थाना मनावर में पदस्थ हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से मनावर कस्बा से करीब 3 किलोमीटर दूर 2 गांव हैं, तो वहाँ पे एक मंदिर में कुछ बाइक वाले आए फुटेज के आधार पे और गांव वाले भी जो बता रहे कि बाइक वाले घूम रहे थे, तो लोगों ने एक मंदिर में घुसे और कुछ सोने के जो चेन वगैरह चोरी कर ले गए हैं।
बाकी फिर एक गांव में भी जो वहां पे गांव के जो घर के व्यक्ति थे कोई बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे तो वहां पे भी ताला तोड़ के घुस गए और वहां पे कुछ नकदी और जेवरात चोरी कर लिए हैं। टारगेट तो तीन दो घरों में तो हो गई है और दो जगह हो गई है और एक और ताला तोड़ने का प्रयास किया था एक घर में भी। जी मनावर से अंकित शुक्ला की रिपोर्ट। शिवरात्रि के महापर्व पर इंदौर को एक बड़ी सौगात मिली है। इंदौर से वाराणसी काशी एक्सप्रेस विधिवत रूप से इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से शुरू हुई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पूजा अर्चना कर यात्रियों को रवाना किया। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था, जिसके चलते महाशिवरात्रि के पर्व पर विधिवत रूप से पहली ट्रेन इंदौर से रवाना हुई। सांसद ने कहा कि मेरे हिसाब से यह सर्व सुविधा युक्त ट्रेन है, इंदौर से उज्जैन और बेड़ागर होते हुए वाराणसी के लिए जाएगी। सांसद ने बताया कि गत दिनों रेल मंत्री उज्जैन में दर्शन करने आए थे, तब जो वर्षों पुरानी मांग थी कि दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में ट्रेन को चलाया जाए, तो उन्होंने घोषणा की थी कि उज्जैन से वाराणसी ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने उन्हें कहा कि उज्जैन की जगह इस ट्रेन को इंदौर से चलाया जाए, जिससे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़कर दो ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ा जा सके। रेल मंत्री ने यह मांग स्वीकार करते हुए इंदौर से वाराणसी ट्रेन की स्वीकृति प्रदान कर दी। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर अपडेट के साथ जनता की बुलंद आवाज।